सनातन धर्म और संस्कृति को मानने वालों का देश है, जिसका मतलब है कि इस संस्कृति की ना तो कहीं से शुरुआत हुई है और ना ही कहीं अंत होगा, बल्कि यह हमेशा से थी, है और रहेगी। भारतवर्ष के एक एक पल में घटे घटनाक्रम को संजोती रहेगी। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज से 200 साल पहले के भारत की ऐसी जानकारी जो बहुत ही जरूरी होने के साथ साथ कम लोगों को पता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। यह वह समय था जब अंग्रेज हिंदुस्तान में कब्जा करने के ना केवल मंसूबे बना रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया था। यही वह समय था जब शाहजहां ताजमहल का निर्माण करा रहा था। इस दौरान भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य और राजवाड़ों का राज हुआ करता था, लेकिन दो बड़े सम्राज्य हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा करके अपना शासन चलाते थे। इनमें से एक थी मुगलिया सल्तनत, जिसका सुल्तान था औरंगजेब। दूसरी थी मराठा सम्राट, जिसे चला रहे थे छत्रपति वीर शिवाजी। इन दोनों साम्राज्यों की शत्रुता किसी से छिपी नहीं है। अंग्रेजों ने इन शत्रुओं का लाभ उठाया और इन दोनों को आपस में लड़वाने में कोई कोर कसर नहीं बाकी रखी। लेकिन इस दौरान ना तो औरंगजेब को कोई अंदेशा था और ना ही छत्रपति शिवाजी की दृष्टि में भविष्य का ऐसा कोई फ्यूचरिस्ट सीन रहा होगा जब पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटानिया साम्राज्य का कब्जा होगा। लेकिन अंग्रेजों को अपने मंसूबे में कामयाब होने का मौका बड़े धीरे धीरे मिल रहा था और वो छोटे मोटे साम्राज्य पर अपना कब्जा करते जा रहे थे। हालांकि उनका भी समय आया, लेकिन इन दोनों साम्राज्य के पतन के बाद इस प्रोसेस में लगभग 100 साल का समय लग गया। और फिर वो समय आया साल 1800 का। चैनल पर आए नए साथियों से हम कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया लाल कलर का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और चलते रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल इसी तरह हम बात कर रहे हैं साल 1800 की, जिस समय भारत अखंड हुआ करता था, यानी भारत की सीमाओं में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे राष्ट्र भी हुआ करते थे। और उस दौर में पूरे भारत की आबादी थी 16 करोड़। 16 करोड़ की आबादी वाले इस देश में भीड़ भाड़ कम ही देखने को मिलती थी। लोगों का जीवन बहुत ही सादा और सिंपल था। एक आम इंसान कमर के नीचे धोती और कंधे पर गमछा डाले नजर आता था, और जो लोग ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे वह ऊपर कुर्ता पहन लिया करते थे। इसके बाद अंग्रेज आए और उन्होंने अपने पहनावे में शर्ट और टी शर्ट को हमारे देश में पहली बार प्रस्तुत किया। हमारे देश में अमीरों ने भी इसे अपनाया, लेकिन वह शर्ट को कुर्ता ही कहा करते थे। भारत में ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन का काम करते थे, जो सुबह जल्दी उठ जाते थे और अपने खेतों में काम करने चले जाया करते थे। शाम के समय जल्दी घर आते थे, फिर भगवान का भजन कीर्तन करते थे, रात में जल्दी सो जाया करते थे। यह लाइफस्टाइल नेचर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को काफी सूट करती थी। लोगों की जरूरतें कम थी, इसलिए लोग खुश रहा करते थे। उस समय भारत में गांव की संख्या बहुत ज्यादा थी और शहर बहुत कम। ज्यादातर आबादी गांव में रहती थी। जो लोग शहर में रहते थे वह ज्यादातर कारखानों में मजदूरी का काम किया करते थे। उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी, ना बिजली से चलने वाले कोई उपकरण। हम भारतवासी प्राकृतिक वातावरण को खुशी खुशी अपनाते हुए ईश्वर का भजन करते थे। हमारे देश में बिजली साल 1880 में आई। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने में एक लंबा वक्त लगा। साल 1800 में इंग्लैंड में काम करने वाले क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड हुआ करती थी, जबकि एक आम भारतीय की सैलरी इससे 40 गुना कम होती थी। और भारत में किसानों की इनकम की तो बात ही ना की जाए तो बेहतर होगा। साल दर साल आने वाले बाढ़ और सूखा किसानों की कमर तोड़ कर रख देता था। ऊपर से सरकार का लगान तो चुकाना ही पड़ता था। भारत के अमीरों की हालत भी मिली जुली थी। कुछ अमीर हमेशा इस फिराक में रहते थे कि किसी तरह उनकी अंग्रेजों से दोस्ती हो जाए और वह उनसे कुछ लाभ उठा सके, या फिर कम से कम उन्हें कोई नुकसान ना हो। जबकि कुछ अमीर ऐसे होते थे जो अपनी सूझबूझ के जरिए अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। उस दौरान के जनजीवन में बीमारियां भी हुआ करती थी। कालरा, प्लेग जैसी बीमारियां उस दौर में लाइलाज बीमारियां हुआ करती थी। हमने तो साल भर के भीतर ही कोरोना वायरस का टीका निकाल लिया, लेकिन उस दौरान इन लाइलाज बीमारियों से अपनों को मरते हुए देखना ही लोगों की मजबूरी हुआ करती थी। गर्भवती महिलाओं को अगर यह बीमारी हो जाए तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता था। कई बार
नवजात शिशु भी नहीं बच पाते थे। उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी, इसलिए लोगों की मुश्किलें भी बड़ी थी। इस दौरान सुखी केवल वही लोग थे जो अमीर थे, और दूसरे वे लोग सुखी थे जो किंगडम जैसी अच्छी जगह पर रहा करते थे। लिटरेसी का परसेंटेज भारत में बहुत कम था, केवल 10% पुरुष ही पढ़े लिखे हुआ करते थे और महिलाएं मात्र 1% थी जो पढ़ी लिखी थी। यह परसेंटेज केवल शहरों में हुआ करता था, गाँव में ज्यादातर लोग अनपढ़ ही हुआ करते थे। लेकिन जिन लोगों को हम अनपढ़ कह रहे हैं, वह केवल किताबी ज्ञान के मामले में पीछे थे, उनमें स्किल जबरदस्त हुआ करती थी, वह बेहतर तरीके से काम कर सकते थे, हुनर उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। हमारे देश में बनने वाला कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। गांव का कुम्हार अपने स्किल से सबको गर्मी में ठंडा पानी पिलाया करता था। उस समय कोई दूरबीन नहीं हुआ करती थी, लेकिन पंडित जी पंचांग देखकर यह बता देते थे कि सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा, बृहस्पति ग्रह का एक चक्र कब पूरा होगा, ताकि कुंभ जैसे मेले का आयोजन हो सके। कहा यह जाता है कि हमारे ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन अंग्रेजों ने ज्ञान के दृष्टिकोण से किया और वैज्ञानिक आविष्कारों का आधार तैयार किया। अगर आपको भी मेरी तरह गर्व महसूस होता है अपने देश की सभ्यता और संस्कृति पर, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हालांकि वह अंग्रेज सरकार के लगान जैसे जटिल मसलों पर चुप हो जाया करते थे, क्योंकि उससे संबंधित नियम कानूनों का ज्ञान उन्हें नहीं हुआ करता था। ऐसी स्थिति में उनके साथ छल भी हुआ करता था। लेकिन एक आम ग्रामीण भारत के लोगों की बात करें, उनके बीच रुपया या करेंसी नहीं चलती थी, बल्कि चीजों का एक्सचेंज हुआ करता था। गेहूं के बदले दाल, मटके के बदले चावल, सब्जी के बदले फल, यानी आदमी अपनी जरूरत की चीज दूसरे से ले लेता था और उसकी जरूरत की चीजें अपने पास से उसे दे दिया करता था। चीजों के आदान प्रदान पर ही हमारे देश की सामाजिक प्रणाली काम करती थी। उस दौर में भी कुटिल और आपराधिक मानसिकता के लोग हुआ करते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी और आम जनता में उनका साथ देने वाले लोग बहुत कम थे। यदि हमारे परिवार में भी कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जाता था, तो पूरा परिवार उसके विरोध में उठता था। सच्चाई, प्यार और ईमानदारी लोगों के भीतर बसती थी। आपका क्या कहना है उस दौर के लोगों के बारे में? क्या आप फर्क महसूस करते हैं उस दौर के लोगों में और आज के लोगों के बीच? वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा और हमारी पूरी टीम बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है आपके कमेंट का। तो अपनी राय जरूर रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपने देश की संस्कृति को महसूस करते रहें और गर्व से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।